फैक्ट्री में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एंगल पोज का सेकंड वेरिएंट देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सिंगल हैंड एंगल पोज देख चुके होंगे। आज दोनों हैंड करते हैं। तो योगासन करने से पहले हम समस्थिति में आ जाते हैं। आपको मालूम होगा 2 इंच के गैप लेके इनहेल और एक्सहेल करके प्रिपेयर कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इनहेल करता हुआ ऐसे हाथ रेज करते हैं। इसके साथ ही अपने फुल बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, नेक को स्ट्रेच करते हैं जितना आप कर सकते हैं। आप पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच होइए जितना हो सकते हैं। इससे हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम में एक स्ट्रेच आता है और जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, बुढ़ापा दूर होगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद हम एक्सहेल करता हुआ लेफ्ट की ओर बेंड होंगे। इसके लिए आप चाहें दोनों हाथ आपके दोनों कान को सटता हुआ रहे। आप लेफ्ट होइए, आपके स्पाइन में एक अच्छा सा ट्विस्ट आ रहा है। और यहाँ पर आके आप नॉर्मल 5 ब्रेथ लीजिए। यहाँ नॉर्मल फिर इनहेल करता हुआ सीधा जाइए और एक्सहेल करता हुआ हाथ को नीचे, इनहेल करता हुआ हाथ को ऊपर, पूरा बॉडी स्ट्रेच। इस बार हम दाहिने ओर झुकेंगे धीरे धीरे। आपका दोनों केहनियां, दोनों घुटने बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हम अपने ओब्लिक मसल पर काम कर रहे हैं जिससे कमर पर, पेट पर एक्स्ट्रा जो फैट है इसका टोनिंग होगा। आपके शरीर बिल्कुल छरहरा दिखने लगेगा। और यहाँ पर आके आप 5 ब्रेथ तक बने रहिए जितना आराम से हो सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रेच दीजिए। 5 ब्रेथ हो जाने के बाद इनहेल करता हुआ आप सीधा हो जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। और एक्सहेल करता हुआ नीचे आ जाइए। तो यह हमारा एक सेट हो गया। इसी तरह से आप अपने एक्सरसाइज रेजिम में 8 सेट शामिल कर सकते हैं। इसी डबल हैंड एंगल पोज का ही एक और वेरिएंट देख लीजिए। अगर आप दोनों पैरों को नजदीक रखकर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों पैर के बीच आप 1 से 1.5 फीट का गैप रख सकते हैं। और फिर यहाँ इनहेल करता हुआ अपने दोनों हाथों को उठाइए, वर्टिब्रल कॉलम में स्ट्रेच दीजिए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कीजिए, खिंचाव दीजिए, अपने पूरा बॉडी को जितना हाइट गेन कर सकते हैं आप गेन कीजिए। ध्यान रखिए अपने दोनों बाजुओं को कान में सटा हुआ ही रखिए। और यहाँ आने के बाद एक्सहेल करता हुआ धीरे धीरे रबर की तरह, मित्रों हमारा शरीर इलास्टिक है, उस इलास्टिसिटी के गुण को यूज करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। यहाँ लेफ्ट की ओर बेंड होना है और 5 ब्रेथ तक यहाँ बने रहिए। इस बेंडिंग में फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होना है, ओनली साइड बेंडिंग। यहाँ 5 ब्रेथ तक बने होने के बाद इनहेल करता हुआ ऊपर आ जाइए, एक्सहेल करता हुआ नीचे आ जाइए, समस्थिति में आ जाइए। इसी वाइड लेग्ड को ही, वाइड लेग्ड डबल हैंड को फिर से एक बार कर लेते हैं। इनहेल करता हुआ ऊपर, जब भी हम अपने शरीर को एक्सपैंड करते होते हैं उसमें ज्यादा एयर की आवश्यकता होती है, तो हम इनहेल करते हैं। पूरा इनहेल करते हुए हो जाइए। और जब हम अपने शरीर को छोटा करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करता हुआ
राइट की ओर बेंड होइए, यहाँ पर आके हाई ब्रेथ बने रहिए। मित्रों हम अपने ओब्लिक मसल वेस्ट पर, हिप पर, थाई पर काम कर रहे हैं, उसमें खिंचाव आ रहा, मजबूती आ रहा, हमारी कंस्टिपेशन दूर हो जाएंगे, डाइजेशन सही हो जाएंगे। और फिर पोज से बाहर आने के लिए इनहेल करता हुआ सीधा हो जाइए, पूरा खींचिए, और एक्सहेल करता हुआ नीचे आ जाइए। तो यह हमारा था एंगल पोज का नंबर 2 वेरिएंट। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद। और मित्रों इसका कंट्रा इंडिकेशन है, अगर आपके कमर में बैक पेन ज़्यादा होता है तो इसे ना करें, या करना है तो डॉक्टर की सलाह पर। बहुत बहुत धन्यवाद।